हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका एक सवाल है। अब सवाल क्या है, उस सवाल को आप ध्यान से समझिएगा, शायद आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप टैली पर काम करते हैं या टैली सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए जानते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है, इन्होंने पूछा है, बहुत सिंपल तौर पे पूछा है। क्या पूछा है कि सर, पार्टी अकाउंट के नीचे सेल्स लेजर और परचेज लेजर, ठीक है, सेल्स लेजर और परचेज लेजर वाला ऑप्शन नहीं बता रहा है, मेरे पास जो है ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैसे आएगा। जैसे आपका भी अगर सेल्स या परचेज वाला लेजर नहीं आ रहा है, तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, आज के इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही मैं दिखाऊंगा, सेल्स में भी और परचेज में भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, टैली प्राइम को ओपन कर लेना। ये टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन है, हो सकता है आप टैली ERP 9 यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लगभग तरीका ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा टैली ERP 9 ज्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल है। मुश्किल क्या है, आसान है वो भी, ठीक है, और ये भी आसान है। तो आप टैली प्राइम को ओपन कर लीजिएगा और यहां से किसी कंपनी में जाकर के लॉग इन हो जाइएगा, यानी उस कंपनी में चले जाइएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं, तो अगर हम आलोक क्रिएशन नाम की कंपनी में चले जाते हैं, तो ये हमारी कंपनी खुल गई। अब उनके साथ दिक्कत कहाँ है, देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बाउचर में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बाउचर में जाने पर, जैसे परचेज में गया मैं, तो यहां पर नीचे परचेज का लेजर आ रहा है और यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर और नेम ऑफ आइटम आ रहा है, तो इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इनके साथ दिक्कत क्या हो रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको 100% जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दिक्कत कहाँ है, ये जो चेंज मोड ऑप्शन है ना, यहां पर आपको जाना, ये जो चेंज मोड है आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं या कंट्रोल बटन के साथ। अब देखिए नीचे दो लाइन बनी है ना, देखिए यहां पर दो लाइन नीचे बनी हुई है, ठीक है। तो दो लाइन बनी है, तो इसका मतलब ये बटन आपको किसके साथ दबाना है, कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ आप एच प्रेस कर दीजिए, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहीं पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया अकाउंटिंग इनवॉइस। जैसे ही अकाउंटिंग इनवॉइस होगा, तो यहां पर पार्टी अकाउंट नेम तो आएगा, लेकिन यहां पर परचेज का लेजर गायब हो जाएगा। और देखिए इसमें कहानी, और देखिए यहां पर जैसे ही आते हैं और इसे एज बाउचर कर देते हैं, तो एज बाउचर जैसे करेंगे, तो ना तो पार्टी अकाउंट नेम आएगा और ना ही परचेज का लेजर भी आएगा, दोनों ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो ये दिखाई दे, इसके लिए जरूरी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, F12 बटन जब प्रेस करते हैं, तो F12 में आपको यहां पर देखिए यूज डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट इंस्टीड ऑफ 2/बाई, तो यहां पर 2/बाई जो दिख रहा है, अगर डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू कर दीजिएगा तो 2/बाई ऑप्शन चला जाएगा और उसके जगह डेबिट क्रेडिट आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसी भी दिक्कत हो तो यहां से ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सही करना है, तो जैसे मान लीजिए 2 आ रहा है, हो सकता है आपके साथ वही हो रहा हो कि यहां से F12 आपने किया हो और यहां से इसको यस कर दिया हो, तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट आना शुरू हो जाएगा, तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि ना तो यहां पर पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है और ना ही नीचे सेल्स या परचेज, ये तो परचेज वाउचर है, तो परचेज वाउचर का लेजर भी नहीं आ रहा है, यानी कहां पर हम लेजर लगाएंगे जाकर के, वो जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा है हमें। तो इसके लिए सबसे पहला काम कि आप चेंज मोड पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिए और सबसे पहले इसे बना लीजिए अकाउंटिंग आइटम इनवॉइस, ठीक है। आइटम इनवॉइस जैसे बनाएंगे आप, तो यहां पर आपको पार्टी अकाउंट नेम और परचेज का लेजर दोनों ही डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। यही काम आपको सेल्स में भी करना है। जैसे अगर आप सेल्स वाउचर में जाते हैं और आपने यहां से, ये देखिएगा ये चेंज मोड ऑप्शन है, यहां से जाकर के इसे बना दिया है एज वाउचर, तो जब एज वाउचर कर देंगे तो यहां डेबिट क्रेडिट आने लगेगा या 2/बाई आने लगेगा। तो अगर ऐसा आपके साथ दिक्कत हो रहा है, तो आपको करना क्या है, करना यही है कि चेंज मोड पे चले जाना है और चेंज मोड पर जाकर के इसे क्या बना लेना है, आइटम इनवॉइस बना लेना है। बस इतना सा काम आपको करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें 100% क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेमेंट बाउचर की। तो पेमेंट बाउचर में जैसे आते हैं, तो पेमेंट बाउचर में आपको यहां पर, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन ना नजर आ रहा हो, तो क्या करना है,
तो काम वही करना है कि F12 प्रेस करना है। देखिए यहां पर डेबिट क्रेडिट ऑप्शन जो है नो होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर नो होगा ये, और अगर नो होगा तो ये ऐसे दिखेगा, यहां पर टू ऑब्लिक बाई वाला जो सिचुएशन है वो आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टैली प्राइम में ये ऑप्शन यानी डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन आता रहे, तो आपको क्या करना है, F12 बटन प्रेस करके और यहां से इसको यस कर देना है। कभी कभी ये ऑप्शन नजर ना आए तो यहां पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस पर क्लिक करेगा तो ये ऑप्शन आने लगेगा। वैसे ये ऑप्शन दिखता है पहले से ही, ठीक है। तो अगर ना आए तो आप इसको यस कर दीजिएगा। तो ये यहां पे यस करके और आपको क्या करना है, कंट्रोल ए कर देना है, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर देने पर यहां पर डेबिट क्रेडिट ऑप्शन शो होने लगेगा, यहां पर क्रेडिट दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये क्रेडिट वाला ऑप्शन आप क्लियर करेंगे तो डेबिट भी नीचे आने लगेगा। इसी तरीके से रिसिप्ट वाउचर है, तो रिसिप्ट वाउचर में आएंगे और आपको नहीं दिखेगा ये डेबिट क्रेडिट ऑप्शन। तो आपको करना क्या होगा, वही करना है जो आपने पेमेंट वाउचर में किया, F12 प्रेस करना है। और यहां पर देखिए ये जो है यस है, ये आपके में अगर नो रहता है तो ये ऑप्शन जो है नो रहेगा, तो ये आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो वही काम की F12 प्रेस करके और इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, तो यहां पर ये क्रेडिट ऑप्शन आपको शो होने लग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो किसी भी वाउचर में आप रहें, अगर आपको इस तरीके की दिक्कत आती है तो आसानी के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जब ये ऑफ रहेगा, यानी अगर ये डेबिट क्रेडिट ऑप्शन ऑफ है, ठीक है, यहां से ये ऑफ है यानी ये नो है, और इसे मैंने कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराया, और यहाँ पे चेंज मोड, तो ये जो मोड है ये सिंगल एंट्री मोड है, तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा और इसे कहते हैं सिंगल एंट्री मोड। कौन सा मोड, सिंगल एंट्री मोड। और जैसे ही F12 करके और यहां से इसको यस करेंगे, या फिर आप यहां पर आ जाएंगे, देखिएगा जरा, यहां पर आएंगे चेंज मोड पर, ये चेंज मोड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से अगर किसे डबल एंट्री बनाएंगे तो ये डबल एंट्री हो जाएगा, लेकिन डबल एंट्री में आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई देता है, लेकिन आपने डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू नहीं किया होगा तो ये नहीं दिखाई देगा, टू ऑब्लिक बाई आएगा। तो आपको F12 प्रेस करके इसको यस कर देना है, यहां से इस ऑप्शन को यस करिएगा। देखिए मैं यस करता हूं डबल क्लिक करके यहां से, तो ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कंट्रोल ले करके और इसे एक्सेप्ट कराइए और देखिए डेबिट क्रेडिट यहां पे शो होने लगा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो एकदम क्लियरली 100% आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल यही सिचुएशन तब आपके साथ हो जाती है जबकि आप जनरल वाउचर में होते हैं, तो जनरल वाउचर में आपको ये मोड जो है ये फ्रीज नजर आएगा। ये देख सकते हैं यहां पर ये मोड जो है ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर आपने F12 प्रेस करके डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नो कर दिया तो यहां पे टू ऑब्लिक बाई आने लगेगा। तो यहां पे अगर मैं कंट्रोल ए कर देता हूं तो आप देखिए बाई और टू वाला ऑप्शन आ रहा है यहां पे। यहां पे देखिए ये बाई है, ये टू है, देख सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब यहां पर समझिएगा, यहां पर एक चीज और है, ठीक है, क्या है ये, वो चीज उसको समझिए ध्यान से। यहां पर स्केप बटन प्रेस करके पहले बाहर आ जाइए। ये आ गए हम गेटवे ऑफ टैली पर। ये टैली की क्या है, मेन मेन्यू है। क्या है, मेन मेन्यू। टैली की क्या है, ये मेन मेन्यू है। और अगर हम बाहर आ गए हैं तो यहां से वी बटन प्रेस करके अगर हम कंट्रा में आ जाएं या F4 वाले में आ जाएं, F4 कंट्रा की शॉर्टकट की होती है, तो देखिए टू ऑब्लिक बाई आ रहा है, ये डेबिट क्रेडिट ऑप्शन। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो ये चेंज मोड ऑप्शन जो है हाईलाइट मिलेगा आपको, यानी इस पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर यानी जनरल वाउचर में उस पर क्लिक नहीं होगा, तो ये सिंगल एंट्री मोड में रहेगा तो ऐसे आएगा। और इसे डबल एंट्री बना लेंगे, यानी चेंज मोड पे जाके डबल एंट्री पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे डबल एंट्री में टू ऑब्लिक बाई आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि F12 प्रेस करके आपने चेंज नहीं किया। तो यहां से खाली यस कर दीजिए इस ऑप्शन को डबल क्लिक करके और कंट्रोल ए कर दीजिए। तो कंट्रोल ए करते ही ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा और डेबिट क्रेडिट यहां पर भी आने लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात समझ में आई होगी। एक एक वाउचर का मैंने ओपन करके बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।